सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहता हूँ कि हम लोगों की ड्यू के जो वाइस चांसलर हैं उनके साथ मीटिंग होने की संभावना चल रही है। उनके साथ अगर हमारी मीटिंग होती है तो वहाँ पर मुझे बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले एक सर्वे फॉर्म हम लोग निकाल रहे हैं कि कितने बच्चे वहाँ पहुँच सकते हैं, कितने नहीं पहुँच सकते हैं और कितने बच्चों को OB चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट टाइम भी हमारे पास कोई इस तरीके का डेटा नहीं था कि कितने परसेंट बच्चों को OB चाहिए। सिर्फ वो 1800 बच्चों का एक डेटा था तो उससे कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इसलिए कि जो फॉर्म हम निकाल रहे हैं, एक सर्वे फॉर्म निकाल रहे हैं, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सर्कुलेट करें कि अगर हमारी मीटिंग होती है और कोई लोचा नहीं होता है बीच में तो कुछ उम्मीद है हमें आगे अच्छा होने की। लेकिन कमिटमेंट किसी से कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा। दूसरी चीज़, उस सर्वे फॉर्म में सभी पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, चाहे वो शुगल के बच्चे हैं चाहे वो रेगुलर के बच्चे हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, उसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है आप उसमें अपना सही कॉन्टैक्ट नंबर भरें। वो फॉर्म जो डेटा है वो सबमिट नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ उनको दिखाया जाएगा। लेकिन कई बार ही क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि भाई ये तो डेटा फेक है, ताकि हम लोग उनके नंबर से किसी को कॉल नहीं किया जाएगा ना ही डेटा वहाँ पे सबमिट किया जाएगा, ताकि अगर हम लोग को आपको कॉल करते हैं उनके सामने तो वो डेटा आपका सही निकलना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कहीं शेयर नहीं होगा किसी भी तरीके का, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये फेक डेटा है हमारे पास। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी सही भरें, वो सबमिट नहीं होगा, सिर्फ दिखाया जाएगा। और अगर वो 1% कहते हैं, वो कहने लगे जी डेटा फेक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके सामने हम कॉल करेंगे जी ये नाम है ये है आप बात करके देख लो। तो उसमें वो ही हमने रिक्वायरमेंट आपसे ली है जिनकी हमें ज़रूरत है। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक डाल दिया है, उस फॉर्म को उठा के हर ग्रुप के अंदर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस सर्वे फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वे फॉर्म में पार्टिसिपेट करें ताकि हम अगर मीटिंग होती है तो उनको हम सबमिट कर सकें। अगर कोई बीच में कोई लोचा नहीं हुआ तो मीटिंग की पूरी बात चलनी है और संभावना है कि मीटिंग हो ही जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, स्टूडेंट एकता।